भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावरकुए ने आज पत्र परिषद लेकर मोदी 3.0 100 दिन विकसित भारत की ओर लेकर जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 100 दिनों में क्रियान्वित की हुई योजनाएं और कार्य की जानकारी दी। पत्र परिषद में बावरकुए बोले कि पीएम मोदी द्वारा शपथ ग्रहण करने के 100 दिनों में किए हुए कार्यों एवं योजना की जानकारी साझा की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के तहत पहले 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। 100 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें मुख्य लक्ष्य सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई मार्ग है। महाराष्ट्र के वाधवन में वाधवन मेगा पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसके साथ ही किसान मित्र मोदी के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, तो वहीं 9,03,00,000 किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट दी जा रही है। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतन भोगी वर्ग 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 कर दिया है और पारिवारिक पेंशन की छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्टार्टअप्स पर वित्तीय राहत और नए उपक्रमों को प्रोटेक्शन देने हेतु 2012 से शुरू हुआ एंजल टैक्स रद्द किया गया है। साथ ही सक्षम युवा के तहत 2 लाख करोड़ की पीएम पैकेज की घोषणा के साथ ही अन्य योजनाएं क्रियान्वित की गई है। इसके साथ ही शक्त नारी, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों का सशक्तिकरण योजना, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, प्रशासन और कानून एवं व्यवस्था, एनर्जी सिक्योरिटी, विदेश नीति, आपत्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा जैसे कई परियोजनाओं के तहत लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचाई जा रही है। यानी त्यांच्या सरकारचा 3.0 कार्यकाळ सुरू केला आणि या 100 दिवसांमध्ये विकसित भारताच्या संकल्पाकरता आणि विकसित भारताचा संकल्प करताना भारताच्या विकासावर 100 दिवसात 122 विकासाच्या विषयावर मोदी सरकारने निर्णय घेतले। मोदीजींनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये जो मॅनिफेस्टो दिला होता, विकासाचा जाहीरनामा दिला होता, पहिल्या 100 दिवसांमध्ये मी आपल्याला 122 मुद्दे देणार आहे, ज्या 122 विकासाच्या विषयाचे निर्णय आपल्याला लेखी देणार आहे। पण हे करताना ठळक मुद्दे सांगताना, पहिल्या 100 दिवसांमध्ये 15 लक्ष कोटी रुपयाचे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रकल्प, याला 100 दिवसातच मान्यता मिळाली आणि 3 लाख कोटी रुपयाचे कामं सुरू झाले, त्याची यादी आपल्याला देतो आहे। आपण बघितलं असाल महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वेळी मोदीजी आले, वाढवणमध्ये 76,200 कोटी रुपयाचा वाळवणचा जगातला सर्वोच्च बंदर, म्हणजे जगातल्या 10 सर्वोच्च बंदरामध्ये वाळवणचं बंदर, हा मागच्या 40 वर्षापासून न होणारा प्रकल्प, त्याला कामाला सुरुवात झाली। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या 9व्या टप्प्यांना मान्यता मिळाली, जेणेकरून ग्रामीण भागातले संपूर्ण रस्ते आता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशामधले होणार आहे। जवळपास 49,000 कोटी रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामाला, 25,000 गावांना देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आणि यामध्ये 62,500 किलोमीटर 25,000 गावांना 62,500 किलोमीटरची कनेक्टिव्हिटी होणार आहे। आपण बघितलं असाल किसान मित्र योजनेमध्ये मोदीजींनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा 17वा हप्ता रिलीज केला, 9,30,00,000 लोकांना, शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपयाचा रक्कम मागच्या
हप्त्यामध्ये वितरित झाली आणि आतापर्यंत 12,33,00,000 शेतकऱ्यांना 3,00,00,000 रुपये वितरित झाले, 3,00,00,000 रुपये वितरित झाले। इसके साथ ही बावनकुले बोले कि सभी योजनाओं को जनता के लिए 100 दिनों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने शुरू किया है, जिसका लाभ जनता ले रही है। पूरे 5 साल महाराष्ट्र की जनता इन परियोजनाओं का लाभ ले सके, इसलिए आने वाले चुनाव में केंद्र सरकार के साथ चलने वाली सरकार महाराष्ट्र में लानी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।